नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शक्ति ही शुभ और शांति का आधार है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में शास्त्र पूजन के बाद उन्होंने ये बात कही। हिमाचल की चोटी पर पहुंचने वाली पर्वतारोही संतोष यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थी। संतोष यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी। संघ के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई महिला शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनी है। इस मौके पर संघ के स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में समानता और सबको सम्मान का भाव रखना होगा। हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि समाज के बारे में भी सोचना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि रास्ता निकालने वाले को लचीला होना पड़ता है। उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथी संगठन PFI पर हुई कार्रवाई की तरफ भी इशारा किया। आगाह करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि समाज को तोड़ने के लिए जो कार्रवाई चल रही है उसमें ना फंसे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलित के गंभीर परिणाम पर हम भुगत चुके हैं, आज भी इसकी वजह से नए देश बन रहे हैं। मोहन भागवत ने जनसंख्या पर एक समग्र नीति बनाने की, उसे सब पर समान रूप से लागू किए जाने की बात कही। इस मौके पर मुख्य अतिथि संतोष यादव ने स्वयं सेवकों से कहा कि अपने मुझे बल दिया है और आपको बल देंगे। उन्होंने कहा कि आप जिस संकल्प के साथ निस्वार्थ भाव से 97 वर्षों से लगे हैं, उन संकल्पों और निस्वार्थ भावों के साथ आगे बढ़ते रहें। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और शामिल थे। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।